तो वो बार बार रोनाते हैं, बार बार पहुंच जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चोर सिपाही हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। अभी वोटिंग शुरू होगी 7 बजे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैंने ये ब्लॉग पर एंड तक कंटिन्यू। रियली आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज अभी मैं पहुंच चुका हूँ हमारे यहाँ के बूथ यानी मतदान स्थल पर। और ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग इसी होने वाला है कि आज हमारे यहाँ पे है पंचायत चुनाव और मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम आज मतदान करने वाला हूँ यानी वोट करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ आज यहाँ के नज़ारे क्या क्या रहने वाले हैं। तो लेट्स इन्जॉय टुडे ब्लॉग। अभी मैं हमारे यहाँ का जो बूथ है यानी स्कूल, उसके बराबर में जस्ट आश्रम है, वहाँ पर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अभी वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसके बाहर ही खड़े हैं अभी। वो लोग बोल रहे हैं कि 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी और 6 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाएगी। तो फैमिली, अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मतदान स्थल पर। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। अभी वोटिंग शुरू होगी 7 बजे, बट अभी लाइन नहीं लगी है क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। तो गाइस, फाइनली मैं वोट डाल चुका हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने मतदान किया। आप लोग देख सकते हैं ये निशान इसलिए लगा दिया जाता है कि कोई दोबारा फर्जी वोट डालने ना आए, सब अपना अपना ही वोट डालें, मतलब एक पहचान कर दी जाती है। रियली में बहुत एक्साइटेड था अपना फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए, मैंने सोचा अंदर क्या होता है। तो अभी मैं वोट डाल के आ चुका हूँ और मैं हूँ यहाँ आश्रम पर। उधर स्कूल में चल रही है पोलिंग यानी कि वोटिंग। दोस्तों आपने बचपन में चोर सिपाही से जरूर खेला होगा, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँच जा रहे हैं ताकि पुलिस फोर्स के ये लोग हैं बार बार उन्हें दौड़ा रहे हैं कि बाकी एक्स्ट्रा ये लोग हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ ना लगाएं। तो वो बार बार रोनाते हैं, बार बार पहुँच जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चोर सिपाही हो रहा है। तो फैमिली, अभी फाइनली मैं घर पहुँच चुका था और अभी मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा ये निशान था वो और काफ़ी गहरा हो गया है, पता नहीं इसकी खासियत है। जितना ज़्यादा टाइम हो गया उस समय इतना नहीं था, बट अभी और ज़्यादा गहरा हो गया काफ़ी अच्छे से ही। तो फर्स्ट टाइम हम सक्सेसफुली मतदान कर पाए, रियली बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम वोटिंग करके। तो अभी मैं जा रहा हूँ पोलिंग यानी मतदान स्थल की तरफ और चलकर देखते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। फैमिली आप लोग देख सकते हैं अभी भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तो फैमिली, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, मैं एक बार फिर से दोबारा बूथ स्थल यानी कि हमारे यहाँ के पोलिंग पर गया था और अभी भीड़ भाड़ कुछ पहले से हल्का थी और अभी कुछ ठीक ठाक हो, तो अभी कुछ सस्ते में पट रहेंगे वोट डालने वाले। तो आए फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर पर। और यदि आपकी उम्र 18 पूरी है तो वोट डालना ज़रूरी है और अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। तो आज के छोटे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एक बार फिर से आप लोग दीजिए कि निशान काफ़ी अच्छे से बना हुआ है।